with The Adventures of Toto in the given lesson, lesson number 2 of your movements. Okay? Question is there. Have you ever had a baby monkey as a pet? क्या आपने कभी छोटे से मंकी के बच्चे को अपने घर पे as a pet animal कभी पाला है? Second, Toto is a baby monkey. Toto एक बेबी मंकी है, ये बोलना नहीं. Okay? Let us find out whether he is mischievous or docile. हमें ये ढूंढना है, ये जो टोटो है, is he very mischievous? क्या वो बड़ा नटखट है? या फिर एकदम जोकाइल नेचर का है, एकदम शांत नेचर का है. टू बी वेरी काम एंड क्वाइट और सीरीन. काम, क्वाइट, सीरीन, ओके. और यू कैन से वेरी यस जोकाइल इन द नेचर. नाउ फ्रॉम वेयर डिड ग्रैंडपा ब्रिंग द टोटो? ग्रैंडफादर बॉट, नॉट ब्रॉट. बी आर नहीं लिखा है, बी ओ यू जी एच डी बाउट या बॉट बोलते हैं उसको. Bring का bought, bought. और okay, again I repeat, bring का brought, brought. B R, bring का. लेकिन ये जो spelling है, ये buy, B U Y, उसका present tense, उसका past tense है ये word bought, खरीद के लाना. Okay, पैसे खर्च करके खरीद के लाना. तो दोनों words में बहुत फर्क है, बस एक में spelling में और उसका meaning में. Grandfather bought Toto from a Tonga driver. कार्ट होता है ना, या फिर जो खास करके घोड़ा गाड़ी जो होती है उसको टोंगा कहा गया है. यहाँ पर टोंगा ड्राइवर से दादाजी इस टोटो को खरीद के लाते हैं. एंड दैट इज एट अ वेरी लो अमाउंट. इन दोज डेज इट वॉज अ गुड अमाउंट. फॉर द सम ऑफ 5 rupees, 5 रुपए में, उन दिनों में लगभग आज के 500 या कम से कम मान के चलिए कि वो लगभग 5000 होंगे आज के. तो 5 रुपीज में दादाजी ने ये छोटे से बच्चे को खरीदा टोंगा के ड्राइवर के पास से. क्यों ऐसा किया उन्होंने? द टोंगा ड्राइवर यूज टू कीप द लिटिल रेड मंकी टाइड. व्हाट इज द टोंगा ड्राइवर ट्राइंग टू डू एवरी डे विद द मंकी? उस बेचारे छोटे से लाल लाल दिखने वाले उस मंकी को, लाल रंग था उसका चेहरे का वगैरह वगैरह, उसको बांध के रखते हैं. उसको बांध के रखता है वो टोंगा ड्राइवर हमेशा अपने उस घोड़ा गाड़ी के ऊपर. ओके, हॉर्स कार्ट कह सकते हैं. टोंगा ड्राइवर, टोंगा मतलब हॉर्स कार्ट. सो द टोंगा ड्राइवर इज कीपिंग द मंकी टाइड अप टू अ फीडिंग ट्रव. टी आर ओ यू जी एच. It's a kind of a particular vessel-like structure, एक टब के जैसा. ओके, और बिल्कुल उसको खाना खिला सकते ऐसे उस टब के बिल्कुल बगल में उसको बांध के रखता है. ओके, खाने के लिए उस ट्रव में क्या करता है वो टोंगा ड्राइवर, खाना डालता है और उसके बगल में उस मंकी को बांध के रखता है. कहां पर? उस फीडिंग ट्रव के पास में. एंड द मंकी लुक्ड सो आउट ऑफ प्लेस देयर that grandfather decided he would add a little fellow to his private zoo. ab dada ji kya sochte hain ki is monkey ki ye jagah sahi nahi hai. odd lagta hai us tange ke upar ghoda gaadi to already hai, iske paas ek animal to hai, upar se monkey ko paal ke kya karega, aur ye monkey is particular tonga mein shobha bhi nahi deta hai, acha nahi lagta hai. ये इसकी सही जगह नहीं है. इट इज नॉट द राइट प्लेस फॉर द मंकी टू स्टे हियर. देयरफॉर ग्रैंडफादर डिसाइडेड ही वुड ऐड द लिटिल फेलो. ऐड मींस टू कैरी एंड पुट इट विद द पर्टिकुलर एनिमल्स. उन्होंने सोचा कि उनके घर पे उनका प्राइवेट जू है, 4-5 एनिमल पाले हैं उन्होंने, उनके बीच में इसको भी छोड़ देंगे, उनके साथ ये घुल मिल जाएगा और घुल मिल जाने के बाद उनके साथ यस खेलता बैठेगा. और इसलिए उन्होंने सोचा कि इस मंकी को वहां पर बाकी एनिमल्स के साथ ही रख लेते हैं. सो उन्होंने इसको खरीदा और खरीद के सोचा कि अब इसको लेकर जाते हैं. ना टोटो वॉज अ प्रिटी मंकी. टोटो एक बहुत अच्छा दिखने वाला मंकी था. और हिज ब्राइट आईज स्पार्कल्ड विथ मिशिफ beneath the deep set eyebrows.
उसकी जो आंखें ना वो बिल्कुल चमकदार है, एकदम बिल्कुल पानीदार आंखें होती है जैसे वैसे। His bright eyes sparkled, उसकी आंखें बिल्कुल ऐसे चमकती है जैसे कुछ बयां कर रही हो। With mischief beneath deep set eyebrows, लेकिन आंखों से एक चीज साफ साफ नजर आती है, उसके अंदर बड़ा नटखटपन भरा हुआ है। His eyes are clearly sparkling with the mischievousness. Beneath means below. Deep set eyebrows, एकदम घने उसके जो आईब्रोज हैं, उस आईब्रोज के बिल्कुल नीचे उस मंकी के खास करके आंखें जो है बिल्कुल चमकदार नजर आती हैं। ओके, घने आईब्रोज हैं और उसके नीचे उसकी चमकदार आंखें जो मिशिवियसनेस क्लियर इंडिकेट करती है। एंड हाउ आर हिज टीथ नाउ, एंड हिज टीथ, उसके जो दांत है बिल्कुल पर्ल्स के जैसे, मोती के जैसे एकदम सफेद चमकदार दांत है उसके। वर वेरी ऑफन डिस्प्लेड, वो बहुत बार अपने दांत जोर जोर से हंसते हुए दिखाता था। डिस्प्ले करना, टू शो, टू प्रेजेंट, टू इंडिकेट। ओके, बहुत बार उसके दांत तब दिखते थे स्माइल करते हुए जब उसको कोई भी आता जाता व्यक्ति दिख गया तो जानबूझ के अपने दांत ही करके दिखाता है। और इससे पता क्या होता है, दैट फ्राइटन द लाइफ आउट ऑफ एल्डरली एंग्लो इंडियन लेडीज। एल्डरली मतलब ओल्ड एज्ड पीपल, उसके आजू बाजू से अगर ओल्ड एज पीपल कोई पास हो रहा है, खास करके वो भी खास करके एंग्लो इंडियन लेडीज अगर कोई जा रही है, एंग्लो इंडियन कोई फॉरेनर है लेकिन इंडियन बॉर्न है और वो इंडिया में, यस एंग्लो इंडियन लेडी वहां पर फॉरेन में से आई है, तो ऐसी लेडी अगर ऐसे बंदर को अचानक से देख लेती है हंसते हुए तो अचानक से घबरा उठती है कि ये कैसा बंदर है यार, ऐसे थोड़ी ना कोई करता है ऐसा करके। ओके, आमतौर पे उसका चेहरा वो बनाया करता था या आमतौर पे उसके चेहरे से साफ साफ नजर आता था। स्माइल करते ही वो डराता था इंडियन, खास करके एंग्लो इंडियन लेडीज को, ऐसे भयंकर उसकी आंख, उसके आंखें और उसके दांत बड़े भयंकर थे। बट हिज हैंड्स लुक्ड ड्राइड अप एज दो दे हैड बीन पिकल्ड इन द सन फॉर मेनी इयर्स। लेकिन उसके जो हाथ है ना इतने नाजुक है कि जैसे वो सूख गए हो पूरी तरह से, उन हाथों के अंदर कुछ है ही नहीं, बचा हुआ ही नहीं है, सूख गए उसके हाथ। जैसे ऐसे लगता है कि उसके हाथों को अचार डाल के धूप में सुखाने को रखा गया है कितने साल से, और इतने साल से बेचारे की जो आंखें हैं, सॉरी उसके जो हाथ है, जैसे सूरज की धूप में या सुखाने के लिए रखे हो, जैसे हम किसी कैरी को पिकल करने के पहले सुखाते थे, है ना, कैरी को काट देते हैं और काट के पहले उसको धूप में रख देते हैं ताकि वो थोड़ी सी सूख जाए और सूखने के बाद उसको अचार में डाला जाए। मुंह में पानी आ रहा होगा मुझे पता है, तो में से बहुत जन खाने के बारे में बहुत बार सोचते रहते हैं। देन नेक्स्ट इज, जैसे उसके हाथों को पिकल की तरह सुखाने के लिए रखा गया हो इतने साल से, ऐसे सूख चुके हैं उसके हाथ। ओके, एंड नेक्स्ट पॉइंट इज, यट हिज फिंगर्स वर क्विक एंड विकेड, फिर भी उसके जो फिंगर्स हैं वो कैसे आते हैं, बिल्कुल एकदम उसके अंदर क्विकनेस हो और काफी विकेड टाइप के थे, बड़े क्रूअल नेचर के उसके नाखून थे, उसके फिंगर्स थे, ताकि अगर गलती से भी उसके हाथों के पंजे अगर किसी पर पड़ जाए, इफ सडनली ही इज ट्राइंग टू अटैक समवन ही मूव्स हिज हैंड्स और फिंगर्स वेरी फास्ट एंड दे वर क्वाइट विकेड इन द नेचर। एंड हिज टेल, उसकी जो पूंछ है, वाइल एडिंग टू हिज गुड लुक्स, उसके पूंछ की वजह से उसका जो रूप है वो काफी अच्छा लगता है, दिखने में बड़ा स्मार्ट लगता है, उसकी पूंछ की वजह से वो काफी खूबसूरत लगता है। ग्रैंडफादर इन ब्रैकेट मेंशन, ग्रैंडफादर बिलीव्ड अ टेल वुड ऐड टू एनीवन्स गुड लुक्स। ग्रैंडफादर क्या बिलीव करते थे, अगर किसी भी व्यक्ति को अगर पूंछ होती ना तो उसको
वो अच्छी दिखती। कोई भी एनिमल हो, या हम भी एनिमल्स ही हैं, बस सोशल एनिमल्स हैं। लेकिन ग्रैंडपा का मानना ये था कि अगर किसी को अच्छा दिखना है तो उसको पूंछ होनी चाहिए, तो बड़ा खूबसूरत लगेगा वो। ऐसा ग्रैंडपा का मानना है। फिर आप उस पे स्वीकार करते हो नहीं करते हो, यू एक्सेप्ट इट और रिजेक्ट इट, डिपेंड्स ऑन यू। देन ऑल्सो सर्व्ड एज अ थर्ड हैंड, एंड वॉट इज द वर्क ऑफ द टेल, पूंछ का काम क्या होता है? दो हाथों के अलावा खास करके एनिमल्स, खास करके मंकी जैसे एनिमल, उस पूंछ को तीसरे हाथ की तरह काम में लाता है। इट्स लाइक अ थर्ड हैंड गिवन टू द मंकी। यू माइट हैव सीन इट वेरी क्लियरली, ओके, दैट देर आर सम एनिमल्स हु कैन इजिली मूव, ओके, मूव इजिली मूव विद द हेल्प ऑफ देयर हैंड्स, बट इजिली हैंग देमसेल्व्स विद द हेल्प ऑफ देयर टेल। उनकी पूंछ वो लपेट के रखते हैं डाली को और मांस लटकते रहते हैं। ही कुड यूज इट टू हैंग, लिखा हुआ है जो मैंने बोला वही लिखा हुआ है। वो क्या करता है अपनी पूंछ का उपयोग? ही कुड यूज इट टू हैंग फ्रॉम अ ब्रांच, ब्रांच के ऊपर अपनी पूंछ को लपेट लेता है और आराम से लटकते बैठता है उसके ऊपर। एंड इट वॉज केपेबल ऑफ स्कूपिंग अप एंड डेलिकसी एनी डेलिकसी दैट माइट बी आउट ऑफ रीच ऑफ हिज हैंड्स। क्या करता है? अगर उसके हाथों से कोई चीज वो उठा नहीं पाता है, स्कूप करना, स्कूप अप करना पता है ना, जैसे आइसक्रीम को स्कूपिंग करते हैं हम, स्कूपिंग करना, लिफ्ट क्विकली, टू लिफ्ट क्विकली, किसी चीज को जल्दी से उठा लेना, स्कूप करना, वैसे हम चम्मच से आइसक्रीम को उठाते हैं बिल्कुल वैसे। और उसकी पूंछ वो क्या करता है, ब्रांच पे लटका के रखता है, लपेट के रखता है। एंड इज एबल टू हैव, ओके, वेरी इजिली दिस कैपेसिटी ऑफ स्कूपिंग अप, ओके, एनी डेलिकसी, एनी डेलिकसी, ओके, एनी टाइप ऑफ अ डेलिकसी दैट माइट बी आउट ऑफ, डेलिकसी का मीनिंग भी ध्यान से देख लेना, सॉफ्ट टाइप ऑफ अ थिंग, सॉफ्टली, डेलिकसी इन अ वेरी सॉफ्ट मैनर, ओके, बड़े एकदम नाजुक तरीके से लटक कर क्या कर सकता है, जो नीचे गिरी हुई चीज है उसको अपने हाथों से, पूंछ को ब्रांच पे लटका के रखेगा और अपने हाथों से जो उसके हाथों के पोच के बाहर होती है वो चीज वो पूंछ पे लटक के आराम से हाथों से उठा लेता है। सादा सिंपल इमेजिन करो, एक पेड़ है, ब्रांच है, बंदर ने अपनी पूंछ उसके ऊपर लपेट के रखी है और नीचे कोई इंसान है जो केला छिल के खाने वाला है, उतने में ये अपनी पूंछ से लटक कर अपने हाथों से बड़े नाजुक तरीके से उसका केला निकाल लेता है और छिलटा उसके हाथ में रहने देता है। इमेजिन कर सकते हो कि क्या मजेदार किस्सा होगा। बेचारा खाने के पहले ऊपर देख लेगा कि कैसे बंदर है और याद करेगा कि आखिर है तो हमारी प्रजाति। ओके, देन नेक्स्ट पॉइंट इज ग्रैंड मदर ऑलवेज फर्स्ट व्हेन ग्रैंडफादर ब्रॉट होम सम न्यू बर्ड और एनिमल टू हैव द फर्स्ट ओवर समथिंग शोड अनॉयंस, गुस्सा दिखाना, टू शो द एंग्रीनेस। ग्रैंड मदर क्या करते हैं, ग्रैंडपा को या ग्रैंडफादर को एनिमल्स से बहुत लगाव है, लेकिन जब भी ग्रैंडफादर घर पे कोई भी नया बर्ड या नया एनिमल लाते हैं तो ग्रैंड मदर बड़ी गुस्सा दिखाती है, अनॉयंस, क्योंकि कौन सा एनिमल कैसा बिहेव करेगा इसका कोई गारंटी नहीं होता, और इसलिए ग्रैंड मदर यस थोड़ा सा फस होती है, टू शो द अनॉयंस अबाउट समथिंग, गुस्सा दिखाना, टू शो द एंगर, इरिटेटिवनेस, ओके। सो इट वॉज डिसाइडेड दैट टोटोस प्रेजेंस शुड बी केप्ट अ सीक्रेट फ्रॉम हर अंटिल शी वॉज इन अ पर्टिकुलरली गुड मूड। वॉट वॉज डिसाइडेड बाय ग्रैंडफादर, ग्रैंडफादर डिसाइडेड दैट वेन वी विल कैरी टोटो एट होम वी विल ट्राई टू हाइड हिम, उसकी जो मौजूदगी है, उसकी जो प्रेजेंस है, उसको छुपा के रखेंगे, सीक्रेट रखेंगे, दादी को पता ही नहीं चलने देंगे कि वो घर पे बंदर को लेकर आए। कब तक? जब तक पर्टिकुलरली उसका मूड किसी दिन अच्छा ना हो जाए तब तक बताएंगे ही नहीं दादी को कि वो घर पे टोटो को उठाकर खरीद के लाए हैं। ग्रैंडफादर एंड आई, आई मतलब यहाँ पर ऑथर, और ऑथर ग्रैंडफादर का एस ग्रैंडसन है, ओके, ग्रैंडसन अपने ग्रैंड पेरेंट्स के बारे में ये स्टोरी लिख रहा है ऐसा मान के चलते हैं। Grandfather and I put him away in a little closet. एक बंद ऐसे पिंजरे में रखना, ओके, छोटे से
बंद किया जा सकता है, दरवाजा खोला जा सकता है, ओके। ऐसे एक छोटे से क्लोसेट के अंदर, कबर्ड भी बोल सकते हैं क्लोसेट को, क्लोजेट भी बोलते हैं, क्लोसेट भी बोलते हैं। ओपनिंग इन टू माई बेडरूम वॉल, और उस क्लोसेट का जो ओपनिंग है वो बेडरूम के बिल्कुल वॉल की तरफ ही खुलता है। मतलब वो अगर दरवाजा खुल गया गलती से उस कबर्ड का या उस केज का, तो वो बेडरूम के वॉल की तरफ ही जाएगा, बेडरूम के वॉल की तरफ ही खुलेगा। वेयर ही वॉज टाइड सिक्योरली, जहां पर उसको उस वॉल के बिल्कुल पास में एकदम सिक्योरली बांध के रखा हुआ है, किसे? टोटो को। और सो वी थॉट, और हमने ऐसे सोचा कि इसको बांध के रखना फिलहाल तो जरूरी है। टू अ पेग फास्टन इन टू द वॉल, और उन्होंने क्या किया, दीवार के अंदर जो खिली होती है ना उसको पेग कहते हैं, PEG, इट्स अ काइंड ऑफ अ नेल, NAIL, ओके, सबको ध्यान में आ रहा है, नेल। लेकिन फर्क कितना होता है, पेग में हम क्या कर सकते हैं, खास करके किसी भी बेल्ट को अटका सकते हैं, बेल्ट को अटकाने के लिए जो होता है उसको पेग कहते हैं, ओके। अ बेल्ट कैन बी टाइटन और फास्टन, फास्टन मतलब गांठ बांधना, ओके, खास करके दीवार के अंदर जो खिली होती है, हुक बोल सकते हैं, HOOK, तो भी चलेगा। और उस हुक में जो दीवार में हमने इस पूरी तरह से फिट करके रखा है, उसमें उसका बेल्ट गांठ बांध के रखा हुआ था ताकि वो इधर उधर भाग ना जाए। अब होता क्या है, फर्स्ट पेज का वहां पर एंड हो जाएगा इस पैराग्राफ के बाद, ध्यान से समझना ये भाई साहब क्या करता है। अ फ्यू आवर्स लेटर, कुछ घंटों के बाद, जैसे उसको उस कमरे के पास में छोड़ दिया, बंद था। When grandfather and I came back to release Toto, अब इन दोनों ने क्या सोचा, चलो एक बार बेचारे को थोड़ा सा पिंजरे से बाहर निकाल देते, यार कैद करके रखा है उस बेचारे को, कितना हैरान हो रहा हो, और सोचा कि इसको पिंजरे से निकालते हैं, रिलीज करते हैं, ओके। टू रिलीज मीन्स टू लेट समवन गो आउट, टू लेट समवन मूव आउट ऑफ द पर्टिकुलर प्लेस और एरिया। इन दोनों ने सोचा कि चलो बहुत घंटे हो गए, अब इस बंदर को थोड़ा सा छोड़ देते हैं। वी फाउंड दैट द वॉल्स, लेकिन जैसे वो पहुंचे तो उन्होंने उस रूम को जैसे ही खोला तो एकदम भयंकर नजारा देखा। क्या देखा, कि टोटो ने ऑलरेडी उस पट्टी को, अपने गले की रस्सी को तोड़ दिया था, उसने दरवाजा भी खोल दिया था, और दरवाजा खोल के बेडरूम के वॉल्स के ऊपर जो ब्यूटीफुल मैनर में पेपर्स लगे होते ना, वॉल पेपर्स, ओके, उसको पूरी तरह से चिथड़े चिथड़े उड़ा के रखे थे, पूरा फाड़ के रखा है वॉल पेपर। विच हैड बीन कवर्ड विद सम ऑर्नामेंटल पेपर, ऑर्नामेंट्स के पिक्चर थे उसके ऊपर, ऑर्नामेंट्स के अलग अलग जो ऑर्नामेंट्स होते ना, गहने जैसे होते ना, ओके, गले का हार या कान की बालियां वगैरह वगैरह, ऐसे ऑर्नामेंट्स का पिक्चर था, और वो पिक्चर उस पेपर के ऊपर, जो ऑर्नामेंटल पेपर था, जो खास करके ग्रैंडपा अपनी चॉइस का पेपर, वॉलपेपर लेकर आए थे, उन्होंने उस वॉल पर चिपका के रखा था। दैट होल पेपर वॉज बैडली टॉर्न आउट बाय टोटो एंड नाउ स्टूड आउट एज नेकेड ब्रिक एंड प्लास्टर। और अब क्या हुआ था, ग्रैंडपा ने जैसे देखा, अच्छा खासा दीवार को ढक के रखा हुआ था, इसने तो पूरे दीवार को पूरी तरह से इस ओपन करके रख दिया। That's why it is mentioned naked bricks. अब तो bricks भी सामने दिख रही थी और कुछ प्लास्टर भी उखाड़ के रखा हुआ है। मजे से उसने अपने पंजे का उपयोग अच्छे से किया। उसका मन नहीं भरा था यहाँ पर। He was not satisfied with only removing the ornamental paper from the wall. The peg in the wall had been wrenched from its socket. क्या किया था इसने? वो जो पेग था ना वॉल में, उसमें से उसने उसको मरोड़ के उसके सॉकेट को तोड़ दिया था। सॉकेट मतलब, मैंने पहले बोला था, पेग वो हुक होता है जिसके अंदर आप किसी रस्सी को यस पैक करने के लिए यूज कर सकते हो। जैसे हमारी बैग में सॉकेट्स होते हैं, उस सॉकेट को ही मरोड़ के यस तोड़ के रखा था और वहां से वो भागा था। एंड माय स्कूल ब्लेजर, स्कूल का जो कोट होता है ना, कोट, उस स्कूल के ब्लेजर को
एकदम मस्त स्ट्रिप्स बना के रखा था। स्कूल का कोट उसने टांग के रखा होगा बेचारे ने हैंगर में, विच हैड बीन हैंगिंग देयर, उस कमरे के अंदर उस ऑथर का बेचारे का यानी कि उस ग्रैंडसन का जो कोट था स्कूल का, वॉज इन श्रेड्स, श्रेड्स लॉन्ग पीसेस, कोट के एक एक पट्टी निकाल के छोड़ी थी उसने, मतलब चितड़े चितड़े उड़ा के छोड़े थे और उसका पूरा सत्यानाश करके रखा था। आई वंडर्ड वॉट ग्रैंड मदर वुड से, ऑथर को एक बात का डर लग रहा था, किस बात का, कि अब अगर दादी ने ये देखा, अगर दादी ने देखा तो उससे बड़ा आश्चर्य होगा कि ये क्या लेकर आए हो तुम लोग। बट ग्रैंडफादर डिडंट वरी, लेकिन ग्रैंडफादर इस नजारे को देखकर बिल्कुल परेशान नहीं थे, उन्हें अच्छा लगा। He seemed pleased with Toto's performance. उन्होंने देखा टोटो दिमाग वाला है, लेकिन इसको भगवान ने दिमाग तो दिया है और इसकी परफॉर्मेंस देखकर ये बता सकते हैं कि इसके अंदर कूट कूट के टैलेंट भरा हुआ है। अगर ये अपने पट्टे को तोड़कर बाहर निकलकर दीवार के चितड़े उड़ा सकता है तो भगवान ने इसको बहुत अच्छे से टैलेंट भर भर के दिया हुआ है और इसलिए इसकी परफॉर्मेंस, यस इट इज एप्रिशिएबल। He was very happy to see this performance. And then, after that, grandfather said, he is clever. ये बहुत clever है. अगर इसको हमने और थोड़ा सा time दिया होता ना, अगर हम थोड़ा सा late आते ना, given time, मैं पूरे यकीन के साथ कह सकता हूँ, दादाजी क्या कहते हैं, अगर उसको थोड़ा और ज़्यादा वक्त दिया होता ना, तो ये क्या करता पता है? I am sure he could have tied the torn pieces of your blazer into a rope. इसने क्या किया होता? इसने वो जो ब्लेजर के जो टुकड़े टुकड़े करके यानी कि फाड़ के रखे ना, ओके हिस्से जो खास करके पीसेस बना के रखे ना ब्लेजर के कोट के, इन सबको वो बांध देता, एक रस्सी बनाता एंड मेड हिज एस्केप फ्रॉम द विंडो। और कन्फर्म एक काम तो कर लेता ये बंदर, क्या करता, आराम से खिड़की से रस्सी निकालता और खिड़की से रस्सी डालकर किसी जगह पे बांध के कप का छुमंतर हो गया होता यहाँ से, एस्केप होना, टू रन अवे, ओके टू रन अवे यू कैन से इज कॉल्ड एज टू एस्केप, चकमा देकर भाग जाता कप का। अगर हमने इसको और थोड़ा वक्त दिया होता तो ये कप का भाग गया होता, मतलब ये हुआ कि इसके अंदर टैलेंट कूट कूट के भरा हुआ है। एंड नाउ आगे क्या होता है, His presence in the house still a secret. अभी भी उसकी मौजूदगी एक सीक्रेट ही था घर के अंदर। अभी तक उन्होंने दादी को ये बात बताई नहीं थी कि उन्होंने टोटो नाम के इस भयंकर क्रिएचर को खरीद के घर में चुपचाप सीक्रेटफुल मैनर में रखा हुआ है। टोटो वॉज नाउ ट्रांसफर्ड टू अ बिग केज। अब तो टोटो को उन्होंने एक बड़े से केज में डाल दिया। कहां पर था केज? इन द सर्वेंट्स क्वार्टर्स, सर्वेंट्स के रहने का क्वार्टर जो था। अब आप सबने एक चीज देखी ध्यान से, अगर आपका ध्यान नहीं है तो मैं बता दूं, मैं थोड़ा सा मैक्सिमाइज करता हूं यहाँ पर, अगर आप सबका ध्यान है ना तो मैं आपको बता दूं कि एक चीज पर गौर कीजिए आप सब लोग, शायद आपको पहली बार देखने को मिलेगा। ये यहाँ पर देखो सर्वेंट्स के ऊपर एपोस्ट्रोफी डाला है, सर वो गलती से छप गया है, ऐसा नहीं है, बिल्कुल नहीं है सर। वो सर्वेंट एक होता ना, ओके सिंगल सर्वेंट होता तो मैं टी के बाद एपोस्ट्रोफी एस डालता। लेकिन याद रखना एक चीज, याद रखना सब जन अच्छे से याद रखना, एनी टाइम व्हेन यू आर शोइंग द प्लूरल फॉर्म, अगर आप किसी भी वर्ड का प्लूरल यूज करते हो तो जैसे कि इसमें सर्वेंट्स, अगर मैं बोलता हूं बहुत सारे सर्वेंट्स और उनके क्वार्टर्स, क्वार्टर्स में एस लगा है, देखो ध्यान से आप, है ना, अगर क्वार्टर्स नहीं होता तो एपोस्ट्रोफी एस होता, लेकिन एस के बाद एपोस्ट्रोफी तब देते हैं हम जब ये बताना चाहते हैं कि बहुत सारे सर्वेंट्स और बहुत सारे सर्वेंट्स के क्वार्टर्स, बॉयज की बैग्स, ओके किसी बच्चे एक की बोलता हूं ना मैं बॉयज बैग, बैग तो बॉय के बाद में एपोस्ट्रोफी एस डालूंगा और आगे बैग लिखूंगा, लेकिन बहुत सारे बच्चे हुए और उनकी बहुत सारी बैग्स हुई तो मैं बी ओ वाई एस के बाद एपोस्ट्रोफी डालूंगा, ये याद रखना हमेशा, बॉयज बैग्स, सभी बच्चों की
bags. इसलिए यहाँ पर servants के बाद apostrophe दिया हुआ है. I hope you have understood the point very correctly. It's a simple grammatical point. थोड़ा सा एक छोटा सा grammatical point है. इसलिए मैंने explain करना सही समझा. जो उनके servants का quarters है, okay? तो उनके servants के quarters के वहाँ पर एक बड़ा सा cage था. बड़ा सा मतलब एक घर ही है और उसको दरवाजा लगा के रखा है, बड़ा सा पिंजरे जैसा बनाया. जहां पर कौन कौन था देखो ध्यान से. वेयर अ नंबर ऑफ ग्रैंडफादर्स पेट्स लिव्ड वेरी सोशियबली टुगेदर रिमेनिंग ऑल द डिफरेंट टाइप ऑफ द स्मॉल पेट्स एंड द बिग पेट्स. जो भी पेट एनिमल्स ग्रैंडपा के पाले हुए थे बड़े एक दूसरे से समझदारी से, ओके, सोशियली, जैसे हम सोशल डिस्टेंसिंग बोल रहे ना आज, वैसे सोशेबली टुगेदर एक दूसरे को समझकर इस अच्छे से मैनेज करते थे, अच्छे से अपने एक दूसरे के साथ ट्रीट करते या बिहेव करते हैं, एक साथ में रहने की कोशिश करते हैं. कौन कौन से एनिमल्स थे? अ टर्टाइस, टर्टाइस, टॉर्टॉइज, इंडियन, ओके, वी आर इंडियन, सो फर्स्ट प्रोनाउंसिएशन टॉर्टॉइज. और अब आते फॉरेन लेवल पर, टर्टाइज, टर, टर्टाइज, टर्टाइज और टर्टल भी बोल सकते, टर्टल. अ पेयर ऑफ रैबिट्स, क्या मस्त मस्त एनिमल्स है. रैबिट्स का एक इस पेयर है, मतलब दो रैबिट्स है. अ टेम स्क्विरल, पालतू, ओके, पाली हुई पेट, अ पेट स्क्विरल. एंड फॉर अ वाइल, और कुछ समय के लिए उन्होंने वहां पर एक घर पे पाली जाती ऐसी एक बकरी, यानी कि गोट. टर्टाइस, टर्टाइस, अ पेयर ऑफ रैबिट्स, एक ही पकड़ के चलते हैं, रैबिट्स, टेम स्क्विरल, एंड फॉर सम टाइम अ गोट. और ये पांचवा सबसे भयंकर नमूना. आप सोचो घर की हालत ऐसे की है तो जब ये अंदर जाएगा सोचो क्या करेगा. आपको अंदाजा आ गया होगा, सर भरपूर मस्ती करेगा हमारी तरह, एक दूसरे को यस, हाँ, आपकी भाषा में उंगली करता फिरेगा वो वहां पे. सबको शांति से बैठने तो नहीं देगा, सोने तो नहीं देगा पक्का, अगली लाइन में आपको पता चल जाएगा. देखो, बट द मंकी वुडंट अलाउ एनी ऑफ हिज कंपेनियंस टू स्लिप एट नाइट. ये बात तो कंफर्म हो गई, दूसरी लाइन में लिखा है. व्हाट इज द मंकी गोइंग टू डू? ही इज नॉट गोइंग टू अलाउ एनी बडी टू स्लिप फॉर द होल नाइट. ओके, सो ग्रैंडफादर हु हैड टू लिव देहरादून नेक्स्ट डे, ओके, जो ग्रैंडफादर थे ना, अब उनको